overturning of structural members. जो हमारे structural members होते हैं, column, beam, slabs, even footings, उन सब में overturning को बचाने के लिए, prevent करने के लिए कुछ हम लोग चीजें मतलब add on करते हैं. जो जो चीज हम लोग add on करते हैं तो हम लोग सबसे पहले framework को हटाते नहीं, ठीक है ना. हम लोग framework जो होता है उसको मिला लेना, जो framework को हम लोग जो जो चीज मतलब सॉरी प्रिवेंट करते हैं overturning को बचाने के लिए, overturning को बचाने के लिए जो जो हम लोग steps follow करते हैं structural members में. For example, ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिमाग में रखना पड़ता है डिजाइन देते टाइम. तो पहला चीज ये कि अगर कोई जाता है साइट वगैरह पर तो उसको क्या दिमाग में रखना चाहिए कि फॉर्मेशन जो है, फॉर्म वर्क जो है किसका, तो फॉर्म वर्क होता है कैंटिलीवर का. तो कैंटिलीवर का जो फॉर्म वर्क होगा वो तब तक नहीं हटाना है जब तक दीवार उसके ऊपर नहीं बन जाए. कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फॉर्म वर्क होता है, तो फॉर्म वर्क मतलब जो हम लोग शटरिंग वगैरह देते हैं स्ट्रक्चर में, तो जो हमारा फॉर्म वर्क होता है वो कैंटिलीवर, जब हम लोग कैंटिलीवर को स्पेसिफिकली फोकस करके बात करें. फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा कैंटिलीवर है और ये मेरा इसके ऊपर का वॉल जो बन रहा है, और ऑब्वियसली बात है कि अगर ये छज्जा है तो इसके नीचे मेरा विंडो आएगा ही आएगा. और अगर ये मेरा विंडो है और यहाँ पे मेरा अगर वॉल है तो हम लोग पहले वॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, ना कि इसके नीचे का जो शटरिंग होगा या फॉर्मवर्क होगा उसको हटाएंगे. सबसे पहले इसके ऊपर का दीवार बनाएंगे जो ये एंकर होकर के अंदर तरफ आएगा, इसका रीइंफोर्समेंट जो भी होगा, जो ये अंदर आएगा अपना बीम में जो भी कनेक्टेड होगा. तो यहाँ से इस कैंटिलीवर को हम लोग तभी रिलीज करेंगे इसकी शटरिंग को जब तक इसके ऊपर का दीवाल बन न जाए, द वॉल कंस्ट्रक्ट हो न जाए. जब तक नहीं होगा तब तक शटरिंग नहीं हटाएंगे, और जब हो जाएगा तभी जाकर के शटरिंग हटाएंगे. इससे क्या होगा कि मेंबर का जो ओवरटर्निंग इफेक्ट जो आता है ना वो बचा रहे, उससे उसमें इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है. तो ये एक पॉइंट तो समझना, तो बस ये पॉइंट हम डिस्कस किए थे. और जनरली ओवरटर्निंग जो आता है कैंटिलीवर में उसको हम लोग मोमेंट जिसको बोलते हैं वो WL²/2 होता है, तो हम लोग उसको डाल लेते हैं उस मेथड से. उसके बाद जो आता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कि अब हम लोग को उसकी सर्विसेबिलिटी को देखनी पड़ती है, इंश्योर करनी पड़ती है, इंश्योर सर्विसेबिलिटी, इंश्योर सर्विसेबिलिटी. लेकिन सर्विसेबिलिटी में क्या आता है मेरा, तो उसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो है अपना परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस क्या हो गया कि उसका फंक्शन, जो लोग वहां रह रहे हैं उसके लोड को सहना, और जो वहां स्ट्रक्चर में अंदर में जो भी चीजें रखी जा रही उसके लोड को सहना. तो जो स्ट्रक्चर होगा उसकी परफॉर्मेंस या उसकी फंक्शन जिस लाइफ पीरियड के लिए वो डिजाइन किया गया वो सर्व करे, तो वो हो गया मेरा सर्विसेबिलिटी. तो वही की स्ट्रक्चर परफॉर्म its function, structure जो है उसका function को perform करे for the life it's designed for, जिस life के लिए design किया गया है उसी को वो serve करे, वही हम लोग का serviceability को ensure करेगा, ठीक है. अब सर्विसेबिलिटी को इंश्योर करेगा तो जनरली एक बिल्डिंग का डिजाइन 50 से 52 इयर्स के लिए डिजाइन किया जाता है. एक स्ट्रक्चर का डिजाइन 50 से 52 साल तक के लिए होता है कि वो 50 से 52 इयर्स तक वो सर्विसेबल होता है. उसके बाद उसमें थोड़ा सा क्रैक्स वगैरह और ज्यादा ही फॉर्म होने लगता है, उसमें थोड़ा सा जो जो हमारा क्रैक्स वगैरह फॉर्म होने लगता है उसमें, उस चीज को हटाने के लिए फिर और भी उसमें चीजें की जाती है. तो ये सब बेसिक ये है
टैक्टिक्स है जिसको समझना चाहिए। इसी के अंदर हमारा हमारा आता है ड्यूरेबिलिटी। अब जो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर कब ड्यूरेबल होगा वो हम लोग तभी बता सकते हैं जब हम लोग को ये मालूम चल जाए कि स्ट्रक्चर में कवर कितना गया है। तो अब नया टॉपिक जो मेरा आता है ड्यूरेबिलिटी का। तो ड्यूरेबिलिटी जो हमारी होती है वो हम लोग कैसे बोलेंगे कि कोई एक स्ट्रक्चर ड्यूरेबल है। तो लिखो यहाँ पे कि हम लोग जब उसमें कवर प्रोवाइड करते हैं टू रीबार्स। अब रीबार्स वही हो गया तुम्हारा रीइंफोर्समेंट बार्स। तो जो रीबार्स होता है उससे कितना दूरी में हम लोग कितना ज्यादा हम लोग कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा कॉलम है और हमको यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक लाइन बना देंगे यहाँ से ऐसे करके। ये रीइंफोर्समेंट है आउटर मोस्ट रीइंफोर्समेंट और इस रीइंफोर्समेंट से कितना ये कॉन्क्रीट कवर कर रहा है यही मेरा हो गया क्लियर कवर। अब ये जो क्लियर कवर है इसी पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी होगी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि कैसे होगा हमारा स्ट्रक्चर ड्यूरेबल। तो इसमें एक पॉइंट लिखना है ड्यूरेबिलिटी में क्लॉज नंबर बता रहे हैं हम तो क्लॉज नंबर 26.4.2 क्लॉज नंबर 26.4.2 और एंड टेबल नंबर 16 में IS 456 जो हमारा कोड बुक है उसमें दिया हुआ है कि कवर कितना प्रोवाइड करना पड़ता किया जाता है स्ट्रक्चरल नंबर्स को। ठीक है, इस कोड बुक का ध्यान रखना है, क्लॉज को ध्यान में रखना है। और कल हम लोग मतलब हम डिस्कस करेंगे कि जो जो क्लॉज अभी तक स्टार्ट से लेकर एंड तक हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं तो क्या है, उस रूल को ये सब फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो जनरली फुटिंग में 50 mm, कॉलम में 40 mm, स्लैब्स में 15 mm एंड बीम्स में 20 mm हम लोग प्रोवाइड करते हैं कवर को मिनिमम, उतना तो करना ही है। तो ये सब रीबार्स में जितना भी हम लोग कवर प्रोवाइड करेंगे उतना ही क्या क्या बताएं सर, किस किस चीज का वो बता दीजिए। हाँ, अभी नहीं कल लिखना हो, पहले ये क्लॉज देख करके आना और टेबल को देख करके आना है कल की क्लास। हम जो भी अभी वैल्यूज बताएं उसको वापस कलम बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मेरा ड्यूरेबिलिटी में मिक्स स्पेसिफिकेशन होता है और वो जो मिक्स स्पेसिफिकेशन होता है वो हमारा टेबल नंबर 5 में दिया हुआ है। टेबल नंबर 5 में दिया हुआ है मिक्स स्पेसिफिकेशन, वो भी कौन सा कोड बुक IS 456। तो ये मिक्स स्पेसिफिकेशंस हमारा ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे कि मिक्स हम लोग कॉन्क्रीट का क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो वो इस टेबल से लिया गया है, 456 में ही है वो टेबल और हम लोग कल इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट उसको देख करके आना है कोई ना टेबल 5 कहाँ पे है, टेबल 16 कहाँ पे है। हालांकि टेबल 5 एट द स्टार्ट ऑफ दिस कोड बुक मिल जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट नोट करना जब भी हम बताएंगे कि कॉलम्स में, याद रखना कॉलम्स में हायर ग्रेड का कॉलम्स में जो होता है वो हायर ग्रेड का कंक्रीट को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, कॉलम में हायर ग्रेड का कंक्रीट को प्रेफर किया जाता है इसलिए फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, वो पॉइंट शायद स्ट्रेंथ में छूटा होगा इसलिए अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन हालांकि शायद बताए भी होंगे। तो हायर ग्रेड हम लोग प्रेफर करेंगे कॉलम में, हायर ग्रेड किसका, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है इंपॉर्टेंटली। और डबली रीइंफोर्स्ड फ्लेक्चरल मेंबर्स में हमारा हायर ग्रेड वहां पे भी होना चाहिए। तो एक कॉलम हो गया और एक डबली रीइंफोर्स्ड हो गया फ्लेक्चरल मेंबर। अब डबली रीइंफोर्स्ड फ्लेक्चरल मेंबर, डबली रीइंफोर्स्ड क्या हुआ सर? एक देखो, डबली रीइंफोर्स्ड जनरली हम लोग ये टर्म यूज करते हैं बीम्स में, तो हमारा बीम ही हमेशा डबली रीइंफोर्स्ड हो सकता है। और फ्लेक्चरल मेंबर हो गया जिसमें कि बेंडिंग अलाउड होता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है कि वो उसमें बेंडिंग अलाउड हो कुछ लिमिटेड अमाउंट तक, इतना भी नहीं कि पूरा रबर जैसा बेंड हो जाए, वैसा नहीं, हल्का सा बेंड होगा। डबली रीइंफोर्स्ड और फ्लेक्चरल मेंबर का, फ्लेक्चरल मेंबर तो समझ गए, डबली रीइंफोर्स्ड। अच्छा, डबली रीइंफोर्स्ड का कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा
रीइंफोर्समेंट टॉप एंड बॉटम दोनों में रहता है। जो हमारा रीइंफोर्समेंट रहेगा वो ऊपर में भी रहेगा और रीइंफोर्समेंट एक रहेगा वो नीचे में भी रहेगा, समझ में आ गया? हाँ, तो डबली रीइंफोर्स हो जाता है, सिंगली रीइंफोर्स भी होता है और बैलेंस रीइंफोर्समेंट भी होता है। खैर, तो हम लोग का टॉपिक अभी नहीं है। अभी देखो यहाँ पे डबली रीइंफोर्स्ड है वो फ्लेक्चरल मेंबर है, तो जनरली वो बीम होता है, वहां पे हम लोग को हाई ग्रेड कॉन्क्रीट का यूज करना चाहिए। बस इस चीज को पॉइंट को दिमाग में रखना है, एक है कॉलम, एक है डबली रीइंफोर्स्ड फ्लेक्चरल मेंबर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कोडबुक का सिलसिला शुरू हो चुका है और काफी अभी आने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक, इन सब के बाद हमारा जो मेन चीज था, तीसरा पॉइंट जो था, सर्विसबिलिटी को इंश्योर करना, वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसी के अंदर में आता है हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल, और डिफ्लेक्शन कंट्रोल काफी बड़ा भी है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना भी, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा तो कवर हो ही पाएगा। यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे अभी हम, तो एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हम लोग को दिमाग में ये सारी बातें रखनी पड़ेंगी जो भी अभी तक हम बताएं डिजाइन करते टाइम। अब देखो डिफ्लेक्शन कंट्रोल, डिफ्लेक्शन से देखो प्रॉब्लम क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि डिफ्लेक्शन हम लोग क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, डिफ्लेक्शन आखिर वजह क्या है। तो डिफ्लेक्शन जो होता है एक तरह से तुमको साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा। मान लो तुम्हारे घर, तुम घर के छत के नीचे सो रहे हो और तुमको मालूम चला कि जो तुम्हारा स्लैब है वो ऐसे करके बेंड हुआ है, तो भाई डर रहेगा ना तुम्हारा, तुमको हल्का सा ऐसे, इतना ज्यादा बेंडिंग नहीं होगा, तो तुम बहुत ज्यादा दिखा दिए तुमको, समझ लो लॉग ग्राफ शीट पे हम तुमको दिखाए, नॉर्मल ग्राफ शीट में ऐसे ही रहेगा तुम्हारा, हल्का सा बेंड होगा स्लैब, ऐसा भी नहीं थोड़ा सा ही बेंड होगा, इतना भी नहीं होगा, बट वो जो डिफ्लेक्शन जो तुम्हारा एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था सीधा, वो हल्का सा ऐसे करके वो डिफ्लेक्ट किया। ये जो डिफ्लेक्शन वैल्यू है ये तुमको एक तरह से साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट देगा, मतलब देखने में तुमको डर लगेगा कि कब कब छत गिर जाए ऐसा, या फिर तुम उसको एस्थेटिक भी नहीं लगेगा, ऐसा झुका हुआ है, ऐसा बेंडिंग बेंड जैसा दिखाई देगा और तुमको लगेगा कि ये कब गिर जाए, कब गिर जाए तो कब तुम्हारे लिए ये मतलब इश्यू क्रिएट करे, या फिर लुकिंग पर्पज के लिए तुम्हारा अच्छा नहीं लगे, तुम देखने में अच्छा नहीं लगेगा तुमको जैसे बेंड हुआ हुआ है, ठीक है? जैसे तुम्हारा दीवार भी सीधा नहीं रहता है, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है तो कैसा देखने में लगता है, बस वही बात है कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल इसलिए हम लोग को जरूरी है, एक तो कि देखने में अच्छा नहीं लगता और दूसरा चीज ये कि डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर देता है कभी छत गिर जाए नीचे, तो ये दो वजह है जिसकी वजह से हम लोग डिफ्लेक्शन कंट्रोल को दिमाग में लेकर के किस चीज को डिजाइन करते हैं। अब ये होता है तुम्हारा क्रैक्स जब नीचे में इस तरह का डिफ्लेक्शन बन जाए, तो इसका मतलब नीचे में पूरा क्रैक बन जाए, और इसको अवॉइड करने के लिए, ये जो हमारा क्रैक वगैरह जो भी फॉर्म होता है इसको अवॉइड करने के लिए, जो कि हमारा क्रैक विड्थ होता है, कभी कभी तो तुम नीचे में देखोगे ऐसे बीम बेंड हो रहा है, यहाँ पे ऐसे से करके कुछ क्रैक्स वगैरह बन जाए ऐसे, यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा, हम पिक्चर में वैसे तुमको दिखाएंगे, पहले दिखा सकते हैं तुम्हें, लेकिन समझो एक बात कि हमारा जो क्रैक्स फॉर्म हो जाता है, अगर क्रैक्स के बीच का जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस केस में ये हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले ही क्या क्या चीजें दिमाग में रखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज दिमाग में रखते हैं, हाउ टू अवॉइड दीज क्रैक्स, तो यहाँ पे टॉपिक लिख लो अपना, टू अवॉइड क्रैक, टू अवॉइड क्रैकिंग, और या फिर ब्रैकेट में लिख लो एक्सेसिव क्रैकिंग, ऐसे लिख लो, अवॉइड क्रैक, एक्सेस क्रैक, ठीक है? तो अवॉइड क्रैक कहने का मतलब जरूरत से ज्यादा क्रैक अगर हो जाए उस केस में क्या करेंगे हम लोग, अवॉइड। थैंक यू। तो अवॉइड क्रैक तो एक्सेस क्रैक हो जाता है, तो हमारा जो क्रैक है उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज दिमाग में रखेंगे, तो पहला एक चीज तुमको रखना पड़ेगा फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिशिंग के टाइम हम लोग को ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग उसको दी गई है कि नहीं, ये सब डिटेल टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक जो हमारा आता है पार्टीशंस, और जो नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर्स होता है वो सब,
तो उन लोगों से पहले पूछना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को ये सारी चीजों का दिमाग में ध्यान रख करना पड़ेगा। ये सब तुमको एक स्ट्रक्चर इंजीनियर ही बता सकता है। हर कोई एक नॉर्मल बंदा जो मतलब कंस्ट्रक्शन करवाता होगा वो, या फिर कोई भी चीज करवाता वो ये सब चीज इतना दिमाग में ध्यान में रख के नहीं बनाता होगा। हालांकि जो पढ़ाई तो ये फ्लोर फिनिश जो है वो ठीक, हम ये मान लीजिए ठीक से है, तो ये ठीक का मतलब क्या हुआ कि कैसा होना चाहिए? कहने का मतलब है कि इसका भी लोड तुमको कंसिडर करके डिजाइन करना। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। तो ये सब चीज को तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी हम और इसके बारे में डील करते हैं, ऐसे एक लाइन आंसर देने से नहीं, बट अभी तुमको हम क्या बोलते हैं उसको कन्विंसिंग आंसर दिए हैं, जिसके चलते अब तुम्हारे दिमाग में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन अब जो आने वाले टाइम में जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट करोगे और चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, आगे डिस्कस करते हैं। अभी एक्सेसिव क्रैक मतलब कहाँ से हम समझेंगे भाई कि मेरे पास एक्सेस क्रैक हो गया? हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास ये जो क्रैक बन गया है वो एक्सेस हो गया है? तो इसको लिखो आप। एक्सेसिव क्रैक का मतलब क्या होता? हम बोल दिए कि एक्सेसिव क्रैक, बट हाउ डू वी नो दैट कि ये क्रैक एक्सेसिव है? तो अभी हमको ये बताता है, हमको जो एक्सेसिव क्रैक बताता है, हमारे पास एक ही क्या बोलते हैं सलाह मशवरा करने के लिए एक ही चीज ही है, और वो है हमारा कोड बुक IS 456। तो हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू अभी क्लॉज नंबर हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट CL 23.2.1, ये क्लॉज है। ठीक है, ये मेरा क्लॉज है 23.2.1, एक ये क्लॉज है मेरा। और दूसरा जो क्लॉज है मेरा वो है 2.4.1, ये मेरा दूसरा, ये मतलब दो क्लॉज। तो ये जो दो क्लॉज है हमको IS 456 में मिलेगा, IS 456 में मिलेगा। ये डिफ्लेक्शन बताता है कि जो हमारा क्रैक है ना, ये सब चीज बता रहे तुमको अभी। अब ये जो बताता है डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, तो डिफ्लेक्शन जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हम लोग मान लें कि वो एक अंडर कंट्रोल है। ठीक है, तो स्पैन जो भी उसकी लेंथ होगी, जो भी उसका स्पैन होगा, अगर उसको तुम डिवाइड करते हो 250 वैल्यू से, तो जो भी वैल्यू उसकी निकल करके आएगी, अगर उसमें उतना से डिफ्लेक्शन कम हो रहा होगा तो ही उसको मानेंगे हम लोग सेफ, अदरवाइज वो क्रैक खतरनाक हो सकता है। समझ में आ गया बात? फिर से बोलिए क्या बोला। जो हमारा स्पैन है मतलब हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि मेरा ये स्लैब ही है, अगर ये बेंड होता है तो जब ये बेंड होगा तो ऐसे करके ये बेंड होगा, जब ये बेंड होगा तो यहाँ पे कुछ क्रैक्स बनेगा, और जब यहाँ पे कुछ क्रैक्स बनेगा तो यहाँ पे हमको समझना है कि ये क्रैक्स खतरनाक हम लोग के लिए कब होगा, या फिर ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये खतरनाक कब होगा हमारे लिए। तो ये डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू आएगी ना, ये तुम्हारा स्पैन बाय 250 से कम आना चाहिए। जो भी मान लो इसका 3 मीटर का स्पैन है, तो 3 मीटर को तुम इससे 250 से डिवाइड कर दो, और जितनी भी वैल्यू आती है और यहाँ से डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है उस वैल्यू से, तो वो हम लोग के लिए खतरनाक हो जाएगा। मान लो कि मान लो मेरा वैल्यू आ रहा है 20 mm अप्रॉक्स, मान लो फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं अभी, तो 20 mm से ज्यादा ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करते टाइम हम लोग को देखना पड़ेगा। और ये जो डिफ्लेक्शन है हम बता रहे हैं तुमको ऐसा मतलब कंट्रोल करने के लिए, तो जो पहले दो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे, एक था हमारा साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट और दूसरा था हमारा क्या एस्थेटिक लुक खराब लग, देखने में खराब लग रहा था, दोनों को कंट्रोल करता है ये वाला क्लॉज कोड बुक का। तो डिफ्लेक्शन के बाद हम लोग वो सिंबल देंगे ना, लेस देन। हाँ, मैंने समझने के लिए कि तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, तो वो है डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए वो तुम्हारा स्पैन बाय 250 कैलकुलेटेड होगा। अब ये जो भी वैल्यू आई यहाँ पर वो कम होनी चाहिए इस वैल्यू से जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। हाँ,
ठीक है, अभी ये कोडबुक में देखना कि स्पैन बाय 250 दिया होगा और 220 mm दिया होगा यहाँ पे, जैसे ये दिया होगा, या इसमें ऐसे करके 20 mm लिखा हुआ होगा। ये जो 20 mm लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दोनों चीज को कोडबुक में डिफाइन किया गया, क्लॉज पढ़ना आराम से समझ में आएगा। हम लोग सारे क्लॉज को डिस्कस कर ही रहे डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए वो हैं। ज्यादा हो, कम होना चाहिए स्पैन बाय 250 के वैल्यू हाँ वैल्यू से, से। ठीक है। और स्पैन बाय 250 का वैल्यू थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 20 mm से ज्यादा आ जा रहा है, तो 20 mm को कंसिडर करके डिजाइन करना। अब ये सब चीज आगे देखेंगे, अभी नहीं, बट दिमाग में रूल्स सारे होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, अभी डिफ्लेक्शन कंट्रोल में बहुत सारी बातें हैं समझनी है कि शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू लोड्स और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता है जो कि क्रीप और श्रिंकेज के चलते होता है, मतलब सिकुड़ना और लगातार लोड उस पर इम्पैक्ट करते रहना। मान लो कोई रोज हथौड़ा से आकर के मार के चला जा रहा है, तो रोज उस पर हथौड़ा जितना भी इम्पैक्ट डाल रहा होगा उसके चलते जो भी क्रैक बनेगा वो उसके वजह से डिफ्लेक्शन आएगा। और दूसरी चीज ये कि शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होता है जो कि लोड के लगातार पड़ने से, मान लो कि हम लोग 20 आदमी घर पे रह रहे हैं, अब कोई 21वां आदमी आ गया घर में, जनरली ऐसा बहुत कम होगा, बट मान लो 21वां आदमी अगर आ ही गया घर, तो आ गया तो उसके चलते लोड लोड पड़ेगा, हालांकि हम लोग उसको सेफ्टी में रख के डिजाइन करते हैं। तो ये सारी जो फीचर्स है ना, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो लिखो टोटल डिफ्लेक्शन जो होगा उसमें, क्या लिखना है? बता रहे हैं। देखो यहाँ पे टोटल टोटल डिफ्लेक्शन जो आएगा वो किसके बराबर होगा, पहला तो होगा शॉर्ट टर्म लोडिंग के चलते शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होगा। तो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन क्यों होगा? ड्यू टू लोडिंग डिफ्लेक्शन होगा। टोटल डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने का यही तरीका है, जिसमें टोटल डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। एक होगा शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन लोडिंग के चलते प्लस दूसरा चीज आएगा हमारा लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप और श्रिंकेज। ठीक है, सॉरी क्रीप। ठीक है, तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को टोटल डिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ में आ गया बात? नहीं तो समझ में आ जाएगा, नहीं भी आया तो इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, एक दिन में नहीं आएगा। चलो टोटल डिफ्लेक्शन मतलब ये हो, एक तो ये लोडिंग के चलते जो भी शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन आ रहा है, और दो दूसरा ये कि जो भी लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन आ रहा है क्रीप के चलते और श्रिंकेज के चलते। अभी पहला वाला जो होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और वो इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए, और भी ईटैब से ले सकते हो, ठीक है, ईटैब से या फिर स्टार्ट प्रो से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। और इमीडिएट डिफ्लेक्शन जो होता है इलास्टिक थ्योरी या एनालिसिस किसी भी मॉडल का एनालिसिस करने से हमको मिल जाता है। जो अभी सेकेंड वाला है ना लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, वो हमको मिलेगा कोडबुक IS 456 में एनेक्स जो उसमें होता है, और ये इजी नहीं होता कैलकुलेट। ये वाले के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में ये हमको कोडबुक में मिलेगा IS 456 में, जो कि एकदम लास्ट में मिलेगा तुमको एनेक्सर ANNEX करके एनेक्स एनेक्सर होगा। तो उसमें होगा क्या ना कि बहुत बहुत सारी चीजें दी रहती, तो उतना हम लोग कंसिडर नहीं करते लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप और श्रिंकेज, जो ये वाला पार्ट आता है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, इसको हम लोग उतना कंसिडर नहीं करते। लेकिन देखो इस प्रॉब्लम से भी तो हम लोग को निपटना है। तो हाउएवर, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस में हम लोग जो एक तरह का फॉर्मूला होता है L/D रेशियो, उससे चिपकते हैं। चिपकने का मतलब है कि इस फॉर्मूला को हम लोग बेस मान के यूटिलाइज करते हैं। तो रेगुलर स्पैन्स के लिए, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं, नॉर्मल जनरल रेजिडेंशियल के लिए, वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि L/D रेशियो पे ही फोकस करेंगे। और L/D रेशियो तो जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो मालूम चल जाएगा L/D रेशियो क्या होता है। तो इसके लिए ही हम तुम लोग को जो अभी तक क्लॉज बता दिए हैं वहां पर, वहां तक के लिए यहाँ पर फोकस करना। ठीक है, अब जो हमारा रोल है सर्विसेबिलिटी का, वो क्रैकिंग से बचाना है। और अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि हमारा जो क्रैकिंग है उसका विड्थ, क्रैक का जो विड्थ होगा
क्रैक का जो विड्थ हो, ठीक है, वो जो होगा 0.3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को नोट डाउन कर लेना, 0.3 mm। और ये हम कहा क्यों माने भाई, 0.3 mm ही सही है, ऐसा हम क्यों माने? तो ऐसा इसलिए मानेंगे क्योंकि हमारा क्लॉज में लिखा हुआ है। कौन सा क्लॉज? 35.3.2 IS 456। ठीक है, चलो इतना तक तो हम बता दिए तुम लोग को, जो भी बेसिक चीजें बतानी थी। कंसिडरेशन पार्ट बहुत बेसिक था, लेक्चर हमारा इन सब चीज में। तो ये अगर चीज समझ में आ गया ना, तो बेसिक तुम्हारा स्ट्रक्चर का पकड़ लो कि हाँ ये सारी चीजें होती है। अभी मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज, इन सारे क्लॉज को देखना है, वहां से पढ़ करके आना है, सारा कोड बुक में है दिया हुआ, उलट उलट के उसको 2-3 बार देख लेना है ताकि समझ में आ जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसके बाद हम लोग कल फिर इसके बारे में, हम लोग एक एक क्लॉज के बारे में जो वहाँ लिखा हुआ है उसको देखेंगे भी, समझेंगे भी। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं फिर कल के क्लास में। और थैंक यू सो मच।